भगवान के श्री चरणों में बैठ करके जीव की एकमात्र इच्छा क्या हो, एकमात्र इच्छा यद्यपि संसार में जीवन निर्वाह के लिए जो साधन है उनकी आवश्यकता है और रहती है, किंतु भगवान के चरणारविंद की भक्ति प्राप्त करने का जो मार्ग है वो संतों ने बार बार बताया। उनके चरणों में बैठ करके कि यही भाव हो, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, आसरा इस जहां मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। फूल कांटे फलक पर मिले ना मिले, फलक पर मिले ना मिले, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आप जानते हैं जिस वक्त जीव इस धरा को छोड़ते हैं, आत्मा का परमात्मा में विलीन होना, भगवान कहते हैं अर्जुन जन्म बचपन जवानी प्रौढ़ावस्था और फिर उसके बाद शरीर को छोड़ना, फिर मुझ में मिल जाना और फिर से वही क्रिया, ये प्रक्रिया न जाने कितने सालों से चलती आ रही है और चलती ही रहेगी। तो भगवान से बैठ करके केवल एक प्रार्थना करनी है। आज ये प्रार्थना सभा किस लिए है कि जो जीव परमात्मा के चरणों में विलीन होने के लिए जिसने इस धरती से प्रस्थान किया है, भगवान अपने चरणों में उनको स्थान दें उनकी शांति के लिए। आप जितना शोक करेंगे उनकी आत्मा को उतना दुख पहुंचेगा। ये ऐसा मार्ग है जिससे संसार का कोई जीव बच नहीं पाया और बच ही नहीं सकता है। जब जाने वाला कोई जाता है तो वो हमको ये बता के जाता है कि पूरा जीवन कैसे जिया और किस प्रकार शान से भगवान के चरणों में विलीन होना। श्री जमुना जी का तट हो और प्यारा बंसी बट हो, मेरा सांवरा निकट हो जब प्राण तन से निकले, ये प्रार्थना हो, सभी की ये प्रार्थना होनी चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, आसरा इस जहां मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। साधारण सा जीव आपकी भक्ति का मार्ग नहीं जानता हूँ, जीव कह रहा है भगवान से
बसे मेरी चाहत की दुनिया।